हेलो एवरीवन, मैं लज्जा लकड़ा वाला शाह आपके सामने वापस आ गई हूँ ऑन लोकतेज विद सम अपडेट्स ऑन बेल्जियम। और आज मैं ट्रैवल रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स लेकर आई हूँ। जैसे मैंने आगे भी बोला था कि 15 जून से बेल्जियम में ट्रैवल बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं फॉर शेंगेन जोन एंड फॉर नॉन एसेंशियल ट्रैवल। आप ट्रैवल कर सकते हो इन शेंगेन जोन एंड विथ अदर कंट्रीज, सम 4 कंट्रीज इंक्लूडेड इन इट। पर 1 जुलाई से ईयू ने रेकमेंड किया है, कुछ 15 कंट्रीज को रेकमेंड किया है कि उनके लिए ट्रैवल बैन हटाया जाए और उनको वापस ईयू में अलाव किया जाए फॉर नॉन एसेंशियल ट्रैवल्स। तो उनमें कौन सी कंट्रीज आती है जिसको 15 व्हाइट लिस्टेड कंट्रीज में गिना गया है? उसमें आती है कंट्रीज अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मोंटीनेग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनिशिया एंड उरुग्वे। इतनी कंट्रीज है जो इंक्लूड हो चुकी है और उन्होंने रिकमेंड किया है कि इन कंट्रीज के लिए ट्रैवल बैन हटाने चाहिए और आगे ट्रैवल अलाव करना चाहिए, नॉन एसेंशियल ट्रैवल्स भी अलाव करना चाहिए। पर बेल्जियम ने कहा है अकॉर्डिंग टू द फॉरेन अफेयर्स के वो 1 जुलाई से नहीं पर 7 जुलाई तक ट्रैवल बैन हटा सकते हैं इन कंट्रीज के लिए और वो स्टार्ट कर सकते हैं, पर अभी तक श्योरिटी नहीं है। बेल्जियम की गवर्नमेंट और देखेगी और कैलकुलेट करेगी और रिसर्च करेगी, उसके बाद सबके लिए ट्रैवल बैन हटाएगी। और बेल्जियम में आप कौन कौन सी कैटेगरी के लोग अभी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और क्या कैटेगरीज है, तो फर्स्ट आता है ईयू सिटीजन्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, लॉन्ग टर्म ईयू रेसिडेंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, जो काफी टाइम से ईयू में रह रहे हैं उनके लिए हटाया गया है। दे कैन ट्रैवल, दे कैन गो टू डिफरेंट प्लेसेस जो अलाउड है, और उनके फैमिली मेंबर्स भी। थर्ड कैटेगरी आती है जो ईयू सिटीजन्स भी नहीं है, ईयू रेसिडेंट्स भी नहीं है, पर कुछ ऐसे लोग जिनको जरूरी है ट्रैवल करना, उनकी नीड है, उनको जरूरी है कि ट्रैवल करना ही पड़ेगा, वैसे लोगों के लिए भी ट्रैवल बैन हटाया गया है। और काफी सारी डिटेल्स है जो फॉलो करेगी बेल्जियम गवर्नमेंट, और वो 7 जुलाई से ओपन करेगी भी कि नहीं करेगी बॉर्डर्स, दैट वी विल गेट टू नो। तो आई विल कम बैक विथ मोर एंड मोर अपडेट्स ऑन बेल्जियम। ये ट्रैवल रिगार्डिंग अपडेट्स और डिटेल्स लेकर मैं आऊंगी ऑन लोकतेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी ऑन लोकतेज एंड यू कैन पुट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन, क्वेश्चंस, क्वेरीज, जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन।